वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे बीए सिक्स सेम हिस्ट्री पेपर वन, जो कि आपका गांधी एंड इट्स मूवमेंट, या आप कह सकते हो एरा ऑफ गांधी के नाम से जो आपका टाइटल पेपर वन है, उसमें जो हमारी यूनिट फिफ्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का एक ओवरव्यू। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की लीडरशिप में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इस मूवमेंट के दौरान जो इम्पॉर्टेंट एक स्लोगन आपने सुना होगा, करो या मरो, वो दिया गया था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, भारत छोड़ो आंदोलन आखिर हुआ क्यों, क्या कारण थे इसके। तो देखिए, इसका जो प्रमुख कारण था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी और जो जापानियों का भारतीय सीमाओं के अंदर आना था, ये सारे हमारे रीज़न रहे थे। अब हम एक एक कारण पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ब्रिटिश सरकार का रवैया, सबसे पहला कारण भारत छोड़ो आंदोलन का क्या था, ब्रिटिश सरकार का रवैया कि भारत के स्वशासन के संबंध में किए गए जितने भी वादे थे वो ब्रिटिश सरकार ने पूरे नहीं किए। हालांकि ब्रिटिश सरकार बहुत समय से इस चीज़ को कहती आई कि वो भारत के लिए एक संविधान का या एक अलग से संविधान का निर्माण करेगी और भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको सुधारने के लिए कुछ कार्य करेगी। इस तरीके के वादे या बातें वो काफ़ी टाइम से करते आ रहे थे, बट इस तरीके का कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव और क्रिस्प मिशन राष्ट्रवादियों की जो मांगी थी उनको पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। ये भी एक कारण था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। दूसरा कारण जो भारत छोड़ो आंदोलन का था वो था बढ़ता राष्ट्रवाद। 1942 तक भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कई दशकों से चला आ रहा था और जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो चरम पे थी कि मतलब अब लोग उस लेवल तक आ चुके हैं कि यहाँ से वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं। तो सालों से वो इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं जिसका एंड वो चाहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीडम। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो लोगों की जो जन भागीदारी थी वो डे बाई डे बढ़ती जा रही थी। तो बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण 1942 का जो मूवमेंट था वो हमारा हो पाया या एक रीज़न रहा। तीसरा जो कारण रहता है हमारे इस मूवमेंट का वो सामाजिक आर्थिक कारण रहता है, क्योंकि देखिए भारत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया जिसकी वजह से भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी और युद्ध के कारण वस्तुओं की कमी हो गई थी जिससे कि कीमतें बढ़ने लगी और भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कई कमियां रहीं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफिल अब इंडियन लोग नहीं कर पा रहे थे। चावल के निर्यात के कारण बड़े पैमाने पर अभाव और मृत्यु जैसी चीज़ें सामने आने लगी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती है, ये भी कारण है 1942 के मूवमेंट का। दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा, बर्मा से ब्रिटिश सैनिकों को वापस बुला लिया गया, क्रिस्प मिशन विफल रहा, गांधी और कांग्रेस को अंग्रेज़ों के खिलाफ अंतिम हमला शुरू करने के लिए प्रेरित भी इसी पराजय के कारण मिला प्रेरण सॉरी। ठीक है, अब हम देखते हैं आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई, किस तरीके से हुई। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति जो कि 14 जुलाई 1942 को एक औपचारिक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में या जिस बैठक में डिसाइड हुआ, तो औपचारिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हुई 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में। ठीक है, बॉम्बे में हुई, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया, जो ये मीटिंग हुई थी 14 जुलाई 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, इसमें इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया और उसी दिन गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। ठीक है, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में MCQs आते हैं वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इस आंदोलन में या इस आंदोलन में से पहले जो ये प्रस्ताव रखा गया उसमें मांगे क्या थी, तो एक तो भारतीय लोग चाहते थे कि तत्काल ब्रिटिश शासन के प्रभाव को ख़त्म कर दिया जाए, युद्ध के बाद में अस्थायी सरकार का गठन कर दिया जाए और स्वतंत्र भारत की घोषणा की जाए। उसके बाद में हम देखते हैं सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही इन मांगों के लिए। तो 8 और 9 अगस्त 1942 को सरकार ने कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी को पूना में कैद कर दिया, नेहरू, कलाम और बाकी नेताओं को अहमदनगर में कैद कर दिया। तो इस तरीके से जो प्रस्ताव पारित हुआ, जो मांगें की गई, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने ये रवैया दिखाया जिस वजह से इस आंदोलन का आगे बढ़ना बिल्कुल लाजमी था। ठीक है, मतलब इसके बाद में लोगों में और ज़्यादा आक्रोश बढ़ जाता है और उस मूवमेंट को बिना वो लीडर्स के ही कैरी करने का सोचते हैं। अब इस आंदोलन की प्रकृति की बात करें तो शुरुआत में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और गांधी जी का यह आंदोलन बाकी आंदोलनों से अलग था। 1920-22 के LCM और 1913-34 के CDM की कल्पना ब्रिटिश शासन के शांतिपूर्ण
प्रतिरोध के रूप में की गई और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विस्तार को बढ़ाया गया। देखिए कुल मिला के 1920 से 34 तक जितनी भी कांग्रेस मीटिंग्स हुई, जितने भी कांग्रेस सेशन हुए या ब्रिटिश सरकार की जो भी गोलमेज सम्मेलन या बैठकें हुई, उन सभी में इन प्रस्तावों को या इन सुझावों को रखा गया और सामाजिक विस्तार को बढ़ावा देने के काफ़ी सारे ऐसे वादे किए गए। तो एक तरीके से लोगों की भागीदारी यहाँ पे बढ़ती चली गई 34 तक। अब इसकी शुरुआत ही अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने से हुई थी। ठीक है, ये जो विद्रोह था इसका स्टार्टिंग से ही एम ये रहा कि अंग्रेज़ों को इस टाइम भारत को छोड़ना ही होगा, तो इस वजह से आंदोलन का नाम भी यही पड़ा। मतलब जैसे पहले था कि जितने भी पहले पुराने मूवमेंट हुए उसमें कुछ ना कुछ भारतीय नेताओं की या जनता की मांग रही सरकार से, ब्रिटिश शासन से, और धीरे धीरे उनमें से कुछ कुछ मांगों को पूरा करके उन आंदोलनों को ख़त्म करता, मतलब ख़त्म कर किया जाता रहा इसी तरीके से, या फिर उन आंदोलनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें स्वतंत्रता की ओर देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर वो राजनीति के सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए रहा करते थे, जिनमें से कुछ मुद्दों में सुधार करके उन आंदोलनों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ इसका मेन मुद्दा ही ये था कि अब हमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर ही निकालना है। अब आंदोलन के प्रचार की बात करें तो वो दो चरणों में हुआ। एक तो सामूहिक आंदोलन चरण था जो कि अगस्त सितंबर 1942 में स्टार्ट हुआ, एक हमारा अर्ध गुरिल्ला विद्रोह जो कि इसी मूवमेंट के दौरान बाद में होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लोगों ने सभी स्टेशनों को जलाया, नष्ट करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें भी इस आंदोलन के दौरान हुई, तो काफ़ी हिंसा भी हमें इस दौरान देखने को मिली। अब आंदोलन में आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्रीय भागीदारी। तो देखिए बिहार से भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, छात्र, किसान, श्रमिक, ये सभी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। कानपुर, नासिक, नागपुर में हड़तालें हुई, काफ़ी ज़्यादा मिलों पे हड़तालें, दिल्ली में हड़तालें मिल बंद कर दी गई, हिंसक आतंकवाद फैलाया गया, बहुत बड़े लेवल पे हिंसा इस आंदोलन में हमें देखने को मिली। बंगाल में शहरों में कस्बों में तोड़ फोड़ प्रदर्शन, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। अब इस आंदोलन की सीमाएं क्या थीं, क्या लिमिटेशंस रहीं, तो इस आंदोलन में तुरंत आज़ादी नहीं मिली, कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी और हिंसा की वजह से गांधी जी कहीं ना कहीं इससे पीछे हटते रहे। आंदोलन के अंदर बिखराव और भ्रम जैसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैलाई गई। कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध भी किया, मुस्लिम लीग जैसे कि इस आंदोलन के खिलाफ थी, तो इतना जन समर्थन मिला लेकिन जो राजनीतिक नेता थे उनसे या कुछ क्षेत्रों से हमें समर्थन नहीं मिल पाया। अब अगर हम बात करें इस आंदोलन का महत्व क्या रहा, तो देखिए 1944 तक ये सक्रिय रहा, बाद में अंग्रेज़ों ने इसको भी कुचल दिया और ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने में यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, ऐसी सफलता हमें मिली। लेकिन देखिए लोगों में स्वशासन की मांग या स्वशासन की खोज का एक मार्ग जो था वो लोगों तक पहुँच जाता है, लोगों को एक राह दिखा दी इस आंदोलन ने कि आगे उन्हें किस राह पर चलना है, कैसे स्वतंत्रता को उन्हें पाना है। तो इसी तरीके से हम आंदोलन के परिणामों की बात करें तो नए नेताओं का उदय हुआ इस आंदोलन के दौरान, बहुत सारे क्षेत्रीय नेताएं उभर कर आए। अरुणा आसफ अली कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये जितने भी छोटे छोटे संगठन थे इनको काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता इस आंदोलन के दौरान मिली और इन्होंने एक बड़ा राजनीतिक रूप लिया। आंदोलन के बाद में भारतीय राजनीति में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी भी घोषित किया गया, 1,00,000 लोग जेल भी गए इस आंदोलन के दौरान, भारतीयों में स्वतंत्रता की इच्छा जागृत हुई और ये आंदोलन देखिए यहाँ पे बेशक ये बंद हो जाता है बट कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक मैसेज जो इस आंदोलन के थ्रू पहुँचाना था या 1947 में जो चीज़ें पॉसिबल हो पाई कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन का ही एक परिणाम रही। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो यूनिट थी काफ़ी शॉर्ट में हमने इसको रिवाइज कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।